नमस्कार दोस्तों, आज हम शिफ्ट रजिस्टर का प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है? शिफ्ट रजिस्टर बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इसका काफ़ी प्रोग्रामों में इस्तेमाल होता है, इसको बहुत ही यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लूप में ही इनबिल्ट होता है, यह इसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये देखिए, फॉर लूप लिए हमने, ये जो लूप काउंट है ऊपर वाला जहाँ लिखा है, और ये इटरेशन है, कितनी बार हमारी लूप चली। लूप के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ हम लगाएंगे कांस्टेंट, कितनी बार ये चले प्रोग्राम, हमारा लूप चले। ये हम यहाँ से आई से यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ देखिए एक वाइट सी टनल बन गई है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस विद शिफ्ट रजिस्टर, रिप्लेस विद शिफ्ट रजिस्टर। देखो दोनों तरफ शिफ्ट रजिस्टर के मार्क निशान आ गए हैं। अब हम यहाँ एक इंडिकेटर लेंगे, ये प्रीवियस वैल्यू दिखाएगा, और यहाँ हम ऐड शिफ्ट रजिस्टर करेंगे, ऐड एलिमेंट, सॉरी एल ऐड एलिमेंट करेंगे, अभी नहीं हो रहा, ऐड एलिमेंट। सेट नहीं बैठ रहा अभी, थोड़ा ऐसे हो जाता है, ऐड एलिमेंट करेंगे, कर इंडिकेटर ले लिया, एलिमेंट ऐड हो गया। और ये थोड़ा इसको सेट करेंगे, अब एक ऐड का लेंगे, ऐड लेंगे क्योंकि हम वैल्यू को टोटल करवाएंगे, वैल्यू का टोटल देखेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू और उससे प्रीवियस वैल्यू, ये दोनों इंडिकेटर और सिर्फ रजिस्टर लगे हैं, ये प्रीवियस वैल्यू और दूसरी वैल्यू, दो प्रीवियस वैल्यू दिखाएंगे। ऐड को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, जो कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, इसको ऐड डिलीट कर दिया हमने। यहाँ देखिए उसका कलर चेंज हो गया क्योंकि हमने वायर कनेक्ट कर दिया, अब उस येलो येलो से ऑरेंज से कलर हो गया है। इसको हम डिलीट करेंगे वायर को, हम इस वायर को यहाँ से इटरेशन आई से लेंगे और ऐड में कनेक्ट करेंगे, ऐड में कनेक्ट करेंगे, यहाँ ये ऐड में कनेक्ट कर दिया हमने। अब हम इसमें एक और इंडिकेटर लेंगे, क्लीन अप वायर की है, यहाँ पे एक और इंडिकेटर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट इंडिकेटर, ये हमने इंडिकेटर लिया, इसको इधर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड थोड़ा अच्छा रहेगा। ये हमने इसलिए लिया कि इसमें हम करंट वैल्यू दिखाएंगे, ये करंट वैल्यू बताएगा हमें, पहले दो प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू टू, और ये करंट वैल्यू, और जो हमने ऐड लिया है वो प्लस करेगा, ऐड करेगा तीनों वैल्यू को, दोनों वैल्यू को और करंट वैल्यू को, तीनों वैल्यू हमारे पास ऐड होके आ जाएंगी, करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, 1 2। अब ये हम एक इधर शिफ्ट रजिस्टर की तरफ, बाहर की तरफ भी एक इंडिकेटर लगाएंगे। पहले हम ये सेट कर लें, थोड़ा सा ऊपर से ये चले जाते हैं, कोई सेटिंग करूँगा इसकी अगली वीडियो में, ये ऊपर चले जाते हैं, ये
हमारे पास जो इंडिकेटर आ गए हैं, अब ये इनको हम थोड़ा सेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ही ठीक लगेंगे, अच्छे लगेंगे सेट करके। अब ये दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमने इनको शिफ्ट रजिस्टर को इनिशियलाइजेशन कराना होता है, इनिशियलाइज कराना होता है। और जो जितने भी हम एलिमेंट शिफ्ट रजिस्टर इसमें जोड़ेंगे उनको सबको इनिशियलाइज कराना ज़रूरी है, नहीं तो वो वर्क नहीं करेंगे। हमने एक से ही जोड़ दिया है, कांस्टेंट से इनिशियलाइज की करेंगे तभी प्रॉपर वर्क करेगा ये, नहीं ये वर्क सही नहीं करेगा। जिसने डिजिटल पढ़ी होगी आपने, आपको पता ही होगा शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट साइड से वैल्यू लेता है, राइट साइड को पास करता है वैल्यू, डाटा वैल्यू पास करता है और स्टोर करता रहता है, रखता रहता है स्टोर करके। अब यहाँ एक इंडिकेटर लेंगे और टोटल वैल्यू के लिए, ये हमने ले लिया टोटल वैल्यू। ये तीनों वैल्यू की, करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, तीनों का टोटल हमें दिखाएगा। इसको नीचे लाएंगे, ऊपर आ जाता है ये अपने आप ही। इसको यहाँ प्लेस किया और प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया पूरा ही, कनेक्ट सारी वायर कनेक्ट हो चुकी हैं। एक डिले लगाएंगे, अगर हमें डिले नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, जैसे लूप में पहले वाइल लूप फॉर लूप में बताया था, डिले लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें वेट ले लेके हमें लूप रन हो रही है, प्रोसेस हो रहा है पता चलता रहे। ये हमने वेट लगा दिया सेकंड के हिसाब से, मिली सेकंड के हिसाब से होता ही है। फिर हम इस मतलब कि अगर 1000 मिली सेकेंड है तो 1 सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड है तो 2 सेकेंड, जितने जितना भी हम डिले लगा टाइम वेट टाइम लगाएं लगा सकते हैं। और प्रोग्रामिंग में हम का जितने मर्जी शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं ऐड एलिमेंट करके, ज़्यादा से शिफ्ट रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। देखो शिफ्ट रजिस्टर अब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, फुली कंप्लीटेड पूरा हो चुका है। ये थोड़ा बेसिक बताया है शिफ्ट रजिस्टर का, बेसिक मैं वीडियो में आपको बेसिक ही बता रहा हूँ और अभी बताऊँगा, क्योंकि बेसिक पता होंगे तभी हम काम आगे कर सकते हैं सही ढंग से। जब हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम कैसे शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कैसे करना है। प्रोग्राम में आ जाए, बनाना पड़े इस पे प्रोग्राम, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए बेसिक ज़रूर बहुत ज़रूरी समझना पड़ता है। अब प्रोग्राम तो हमारा रन हो चुका है, देखो सारा कुछ कंप्लीट है। हम ये तो मैं पहले मैंने टाइप करके रखे थे तो उनको ऊपर सेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगता है तो फिर टाइम वेस्ट होता है रिकॉर्डिंग में। अब ये मैं इनके लेवल हटा के नीचे वाले रख दिए हैं मैंने, प्रोग्राम कंप्लीट है दोस्तों। अगर 0 से वैल्यू लेते हैं तो टोटल 15 आता है सर, आप देख सकते हैं, पहले देख ही लिया है। थैंक यू दोस्तों, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।